क्रोसॉ 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 ले लिया मैंने। छपे फेरी यहाँ पे घूम लिया, भाग यहाँ। अबे ढीला तेज चल रहे, 5 मिनट बचे हैं। तो दोस्तों कर दी है आज हमने ऐलान जंग और पहुंच गए हैं हम डाउनटाउन टोरंटो पता लगाने की इस जंग में कौन जीतता है, लड़के या फिर लड़की। इस जंग का विजेता कौन होगा ये जानने के लिए हमने दोनों पार्टीज को दे दिए हैं $10-10 और 15-15 मिनट का टाइम। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाएगा डाउनटाउन टोरंटो का, किसकी आइटम होगी सबसे ज्यादा और वही होगा इस जंग का विजेता। ओए ओए ये तो भाग गया अभी भाग गया, तो टाइम से पहले ही निकल गया। चलो फटाफट चलते हैं और हम भी अपना चैलेंज करते हैं शुरू। लेट्स गो। मुझे मिल गई अपनी पहली आइटम गाइस, मुझे मिल गया है ऑल बटर क्रोसॉ जस्ट फॉर 99 सेंट। कैन आई गेट योर बटर क्रोसॉ? ओह नो। ओके देन आई विल टेक अ ट्रिपल चॉकलेट कुकी। यू हैव दैट? तो गाइस बटर क्रोसॉ तो नहीं था, तो मुझे मिल गई अपनी पहली आइटम। मैंने लिए चॉको चिप कुकी जो कि मुझे मिली है 83 सेंट की। फटाफट इसकी बाइट लेते हैं। बहुत यम्मी है यार। अब बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। हर घूम घूम अक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ बीगर वांग बियाला, आसमान का कलर बदल गया किसने। चल भाई की फोटो ले, बढ़िया फोटो ले। तो गाइस हम पहुंच गए अपनी सेकंड लोकेशन पे अपनी सेकंड आइटम ट्राई करने। हम आ गए हैं अमाटो गायरो और चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें यहाँ क्या मिलेगा सस्ते में। गाइस ये आइटम जल्दी जल्दी में ली हुई है, ये इतनी यम्मी है, लेकिन मेरे पास टाइम होता मैं रुक के 4-5 और बॉल्स खाती है मेरी। चलो अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। यार ले लिया मैंने भी अपनी पहली आइटम जो कि है क्रोसॉ ले लिया मैंने। तो इसका आइए लेते हैं अपना पहला बाइट और बताते हैं आपको कैसा है। लेट्स गो टू नेक्स्ट लोकेशन। शिट छपे फेरी यहाँ पे घूम लिया, भाग गया। गाइस हमें फाइनली एक वेजिटेरियन आइटम मिल गई है। This is a taquito, cheese and jalapeno. Let's take a bite. इसमें jalapeno का बहुत अच्छा टेस्ट है और क्रीम चीज भरी हुई है अंदर। अंदर से ये सॉफ्ट है, बाहर से है ये क्रंची। मजा आ गया मुझे इसको खा के। फटाफट नेक्स्ट आइटम की तरफ। यार इससे पहले वो रैबिट यहाँ पे पहुंचे, चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पर। और यहाँ मैं आपको खिलाने लाया हूँ चुरोस जो कि होता है सिनेमन फ्लेवर डेजर्ट जो यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। तो फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंदर। चलो चलो। हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो कि है बार बुरीटो और मैंने ले लिया अपने लिए चुरो विद अ डिप। सो अब आपको दिखाते हैं उसका टेस्ट कैसा है और इसी के साथ जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि रैबिट भी हमारे पीछे ही घूम रहा है। Thank you so much. Have a good one.
कर आ चुका है टाइम टेस्ट करने का चुरोस। बट बिफोर आई डू दैट टेक अ लुक यार, ये होता है हमारा चूरो जिस पे हमने, आप देख सकते हो पास से सिनेमन की कोटिंग है, इसके ऊपर सिनेमन पाउडर डालते हैं और इसे सर्व करते हैं चॉकलेट डिप के साथ। सो आइए लेट्स ग्रैब अ बाइट। सिनेमन का फ्लेवर बहुत ऑसम आ रहा है एंड चॉकलेट डिप इज एडिंग टू द फ्लेवर। सो हमारी साइड से चूरो विद अ चॉकलेट डिप इज डेफिनेटली रिकमेंडेड। अगर आप लोग टोरंटो आ रहे हैं तो जरूर ट्राई कीजिए। मीनवाइल हम भागते हैं क्योंकि रैबिट कभी भी आ सकता है। भागो गाइस, मेरे $5 खत्म हो गए। मैंने कुकी खा ली है, मैंने खा ली फलाफल बॉल और मैंने खा लिया है टकीटो। चलो नेक्स्ट लोकेशन पे, इससे पहले लव जीत जाए। गाइज मैंने ले लिया है अब डेनिश पेस्ट्री हाउस से रम बॉल, चॉकलेट रम बॉल, जो कि मुझे सिर्फ पड़ी है अंडर $2। रम बॉल बोलते हैं इसे, देखते हैं खा के नशा होता है क्या। गाइज ये देखिए, देखने में ये बिल्कुल किसी इंडियन मिठाई जैसी है और मुझे इसमें रम का स्वाद तो नहीं आया पर खुशबू जरूर आ रही है। बहुत मजेगा गाइज, बहुत मजेगा। तो आई वुड से जब भी ईटन सेंटर आओ, डैनिश पेस्ट्री हाउस इज अ मस्ट ट्राई। बहुत किफायती है और टेस्टी भी है बहुत ज्यादा। चलो अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अबे ढीला तेज चल ले, 5 मिनट बचे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ाते हुए अपनी खाने की तलाश को और अपने चैलेंज को, हम पहुंच चुके हैं अपनी अगली लोकेशन पर जो कि है पैटी एक्सप्रेस। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पैटीज होती कैसी हैं और आइए साथ में मिलकर टेस्ट भी करते हैं। फेरी को कड़ी टक्कर देते हुए ले ली है मैंने अपनी चिकन पैटी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसी टेस्ट करती है, लेट्स गो। तो यारो जो यहाँ की पैटी है वो इंडिया की पैटी से बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ की पैटी का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें चिकन की फिलिंग है, जबकि जो इंडिया की पैटी होती है वो बहुत फ्लेकी होती है, आलू होते हैं। एंड दिस पैटी टेस्ट रियली गुड। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस पैटी को टेस्ट कीजिए और बाद में कैनेडा फूडी को थैंक यू करना मत भूलिएगा। आखिरी आइटम के लिए मैंने ले लिया है अपना जूनियर चिकन द सेवियर, क्योंकि मेरे पास बचे थे ऑलमोस्ट सिर्फ $3.50 और इससे बेटर क्या आ सकता है कनाडा में। अब इसको टेस्ट करके बताते हैं। वैसे तो आपको पता है इसका टेस्ट कितना यमी होता है और ये मेरा फेवरेट है कनाडा में। टेस्ट तो यमी होने ही वाला, फिर भी आपके लिए एक बार फिर से ये देखो, गरम गरम पैटी, सॉफ्ट सॉफ्ट बन, उसके अंदर हैबेनारो सॉस और साथ में लेटस। आहा, तो इस ठंडी के मौसम में ये गरम गरम बर्गर। भाई घुल रहा है मुंह में, घुल रहा है, इतना गरम है। इसकी सॉस, इसकी टिक्की बेस्ट है ये। तो गाइस मेरी आखिरी आइटम हो गई है डन। अब लव भी पहुंचने वाला होगा, लेकिन जीतना किसको है, लड़कियों को। तो चलो भागो और लव से पहले पहुंचते हैं। तो यारो कर लेने के बाद इतना कुछ ट्राई डाउनटाउन में, हम अब पहुंच चुके हैं रूबी थाए और यहां से हम लेने वाले हैं स्प्रिंग रोल और हराने वाले हैं फेरी को। तो यार उठा लिया मैंने अपना अगला आइटम जो कि है स्प्रिंग रोल। तो आइए इसे टेस्ट करते हैं और जल्दी भागते हैं क्योंकि वो रैबिट भी इसी मॉल में घूम रहा है। तो गाइस खत्म हो चुका है आज का चैलेंज और आज का चैलेंज जीत गई हूँ मैं। और ये देख रहे हैं आप, चैलेंजर खुद ही चैलेंज हार चुके हैं, बड़ा आए थे चैलेंज करने। मैंने गाइस खाए हैं 5 आइटम्स।
तो हमने खाए दोस्तों आइटम चार और अनफॉर्चुनेटली गए हैं लड़के आचार। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम मिलने वाले हैं फिर से अगले हफ्ते किसी नई लोकेशन पे, फिर से कुछ खाते पीते हुए, लड़के और लड़की का चैलेंज कराते हुए या फिर करते हुए और कुछ फन। तो बने रहिए हमारे साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं हम जहाँ पे जाएं अगली बार जरूर मेंशन कर दीजिएगा उसे कमेंट में। So until then, see you, bye.